आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। यदि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा उनका मसप यानी क्या कह सकते हैं HCF 12 है तो वे संख्याएं क्या होंगी, आपको इसमें यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे संख्याएं कितनी दी गई, 1:2:3 के अनुपात में दी गई। अब इनका यहाँ पे दिया क्या है, HCF दिया है ना, यहाँ पे इनका क्या दिया HCF कितना, ये 12 है। अगर यहाँ पे संख्याएं रेशियो में दे दिया है और उन संख्याओं के HCF आपको 12 दिया, तो हम लोग करेंगे यहाँ से रेशियो में अगर इनका HCF निकाला जाए तो कितना मिलेगा, अगर यहाँ से इनका HCF निकाला तो 1 मिलेगा। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इसको काटे इसको काटे और इसको काटे, मैं देख रहा हूँ 1 ही है, अर्थात कह सकते हैं इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से HCF 1 आ गया और इस तरह से HCF कितना है, 12 है। तो क्या करना आपको, इस HCF से इस HCF में क्या करें, भाग, अगर भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार। ठीक है, जितनी बार भाग जाएगी अगर आप इसका इसमें गुणा कर दें और इसमें लाके गुणा कर दें इसमें लाके गुणा कर वे संख्या आपको पता चलेगी। इसमें गुणा करिए, 12 × 12 हो गया और ये 12 × 24 हो गया और ये कितना बार थे, 6। अर्थात कह सकते हैं कि वे तीनों संख्याएं क्या है, इतना है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 12, 24, 36, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे। आपको करना है कि यहाँ से इनके HCF निकालना है, 1 आएगा, जो भी HCF आएगा आपको इस HCF में क्या करना है, मसप में क्या करना, भाग देना। तो भाग देंगे, 12 बार भाग जाएगी, जितनी बार भाग जाएगी आप इसका इसमें गुणा करें इसमें गुणा करें इसमें गुणा करें, आपको संख्या पता चलेगी 12, 24, 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। ए और बी की औसत आयु कितना 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु कितना 25 वर्ष है, ए और सी की औसत आयु कितना 35 वर्ष है, तो बी की आयु कितनी है, आपको इसमें ये बताओ। ठीक, यहाँ पे दिया कि ए और बी की औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। ये औसत आयु क्या होता है, मतलब ये कि प्रत्येक क्या है 20-20 वर्ष की, 20 वर्ष का ये भी है और 20 वर्ष का ये भी है। औसत आयु मतलब क्या, जो प्रत्येक का क्या एवरेज दिया। ठीक, तो यहाँ से आप कैसे सॉल्व करें मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से लिख लीजिए ए प्लस बी की औसत आयु कितना है, आप लिख लीजिए ए और बी की औसत आयु कितना है 20 वर्ष। मैं आपको फिलहाल डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिए ए और बी की औसत आयु कितना 20 वर्ष। तो मतलब क्या, प्रत्येक 20-20 वर्ष को रहेंगे, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 2 लोग हैं तो इसमें 200 गुणा कर लें, दोनों के आयु पता चल जाएगी, इन 20 वर्ष का ये भी है 20 वर्ष का ये भी है, या तो दोनों को जोड़ लिए 20 × 40 हो गया। ठीक है, या 2 लोग हैं तो इसमें 200 गुणा कर लें, दोनों के आयु पता चल जाएगी कितना, 40 वर्ष। फिर अगली लाइन से क्या कहा गया, बी और सी की औसत आयु कितना है 25 वर्ष, बी प्लस सी की औसत आयु कितना है 25 वर्ष। तो दोनों की आयु का युग पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 200 गुणा करना पड़ेगा, 200 गुणा के लिए तो दोनों की आयु का युग कितना हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा। फिर क्या दिया है, ए और सी की औसत आयु कितना 35 वर्ष है, ए प्लस सी की औसत आयु कितना है 35 वर्ष। तो दोनों की आयु का युग पता करने के लिए आपको इसमें 200 गुणा करना पड़ेगा, तो 200 गुणा के लिए यहां से कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इतना क्लियर है, तो पूछा क्या गया इसमें, बी की आयु आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कैसे निकलेगी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें करेंगे हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या, एक यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, एक बार बी यहाँ पे भी और एक बी यहाँ पे, कह सकती है सॉरी ये सी है, ये हमारा क्या है सी है। यहां से देखिए एक बार ये यहाँ पे मिलेगा एक बार ये, कह सकते हैं 2 बार ए मिलेगा और 2 बार बी मिलेगा और 2 बार सी मिलेगा, तो 2 बार सब मिलेंगे, तो 2 में सभी में से कॉमन ले, अंदर बचे क्या आपका, अंदर आपको क्या बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बचेगा। अगर मैंने इनको जोड़ लिया यहाँ से इनको भी तो जोड़ा जाएगा, तो जोड़िए, तो यहाँ से जोड़े कितना जाए 5 × 9 हो जाएगा, 9 × 7 कितना जाएगा 16 जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या 2ABC जो भी है, ठीक है, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी मिला, तो 2 मैंने सभी से कॉमन लिया। अब करना है कि इसको यहाँ से काट दिए, अगली लाइन से क्या मिले आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जाएगी 80 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा है आपको, b का मान पूछा है, तो क्या करना है, यहाँ पे तीनों का मान कितना है इतना है, तो आपको किसका मान बताना, केवल b का मान बताना, तो इसका और इसका मान देखिए कितना है, a प्लस c का मान कितना है यहाँ पे 70 वर्ष, इसका मान कितना है 70 वर्ष। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, इसको क्या कर दूं, मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, तो मुझे b क्या पता चल जाएगी, अगली लाइन से क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगी 10 वर्ष। अर्थात कह सकते हैं
कि बी की आयु कितना पता चली, 10 वर्ष। तो देखिए कौन सा उसने मैच करा 10 वर्ष, तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन देखिए सुपर टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, अगर ये दोनों की क्या दिया औसत आयु दी है, इसमें 200 गुणा के लिए कितना 40 हो जाएगा, बीसी का दिया है तो आप बीसी का लिख के गुणा कर दोनों की आयु पता चले। फिर क्या दिया ए और सी का मान दिया, आप यहाँ से क्या करें ए सी लिख के 200 गुणा के लिए क्या दोनों की आयु पता चले। ठीक है, इनको जोड़ ली तो आपको ये मिल जाएगा सब कुछ, फिर इसको जोड़ के इसको सॉल्व कर ले आपको क्या जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, किसी कार्य को ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं जबकि ए अकेले उस कार्य को 12 दिन में करता है, तो उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा आपको ये बताओ। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन फिगर द्वारा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो ये कोई कार्य, इस कार्य को मैं क्या करूँ दोनों से मिलकर कराऊं, ए प्लस बी से मिल करवाऊ, ए प्लस बी से दोनों कर मिलकर कार्य करें तो ये कार्य कितने दिन कर लेंगे, ये लोग 4 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब ये कहा गया है कि जबकि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन करेगा 12 दिन, अगर ये टोटल काम मैं किससे कराऊं ए से कराऊं, ए से कितने दिन करने के लिए कर रही है 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा आपको ये बताओ, अगर ये टोटल काम मैं किससे कराऊं बी से कराऊं तो बी इसे कितने दिन में करेगा आपको इसमें यही बताना। ठीक, यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर कितने 4 दिन में करने के लिए कह रहे हैं जबकि ए अकेले खुद कितने दिन करने के लिए कह रहा है 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो जो प्रश्न में आपको पूछा गया है कि अगर टोटल काम मैं किससे कराऊं बी से कराऊं तो ये इसे कितने दिन करेगा आपको ये। ठीक, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा दें लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता। यहां से क्या करिए दोनों मिलकर ना ए प्लस बी मिलकर कितने दिन करने के लिए कह रहे हैं ये लोग 4 दिन में करने के लिए, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। फिर क्या दिया कि ए उसे कितने दिन में करने के लिए कह रही है 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो करना क्या आपको इनका एलसीएम, अगर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 12, जैसे आप एलसीएम लेंगे तो पता ये चलेगा इसके अंदर टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य कितना है टोटल कार्य 12 है। अब एलसीएम लेने का हम करते क्या इससे इसमें भाग दिए, अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 3 बार जाएगी, इससे इसमें भाग देंगे भाग कितनी बार जाएगी 1 बार जाएगी। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद ये पता चल गया कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करे 3 काम करे जबकि ए खुद कितना काम करे एक दिन में 1 काम करे, यहाँ पे दोनों मिलकर 3 काम करे जबकि ए खुद कितना काम करे एक दिन 1 काम करा। अगर मैं इसको यहाँ से घटा दू, इसको मैं यहाँ से घटा दू तो मुझे पता चले कि बी कितना काम कराई है, इसको घटाई कितना जाए, अर्थात कह सकते हैं कि बी कितना काम करा एक दिन में 2 काम करा और ये कितना काम ए वाला कितना काम करा 1 काम, तभी तो दोनों के मिला के दोनों मिलकर कितना करे एक दिन में 3 काम करे। तो पूछा क्या है कि उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा आपको ये, अगर ये टोटल काम आप मैं किससे कराऊं टोटल काम किससे कराऊं बी से कराऊं, बी का कार्य पता चल गया बी 1 दिन में 2 काम करा है 2 दिन में 4 काम करे, तो इस तरह से करना कितना 12 है, आप इससे भाग दे दीजिए तो यहां से अगर भाग देंगे 2 × 12 अर्थात अगर टोटल काम मैं बी से कराऊं तो बी उसे कितने दिन करेगा 6 दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए कौन सा मैच करा 6 दिन, तो बी आपसे इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया ए कॉमा बी और सी की औसत आयु कितना है, ए बी सी की औसत आयु कितना है 10 वर्ष है, यदि ए और सी की औसत आयु कितना 9 वर्ष है तो बी की आयु कितनी है आपको ये बताना। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ए बी सी जो औसत दिया मतलब क्या प्रत्येक 10 वर्ष के रहे होंगे। ठीक है, यानी अगर औसत दिया नहीं है ये औसत दिया है तो कह सकते हैं कि आप प्रत्येक 10 वर्ष के रहेंगे, तीनों की आयु का योग पता करने के लिए आप क्या करें या तो 3 लोग हैं तो इसमें 3 से गुणा कर लीजिए यही ना, या 10 वर्ष का ये भी 10 वर्ष का ये भी 10 वर्ष का ये भी, तो उस तरह से भी जोड़े कितना हो जाए 3 हो जाए। आप इस तरह से करिएगा ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितना दी यहां से, औसत आयु कितना है 10 वर्ष, तो तीनों की आयु का योग पता करने के लिए क्या करें 3 लोग हैं तो इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, इसमें 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि तीनों की आयु का योग कितना आ गया 30 वर्ष हो गया। अगले इनसे क्या कहा गया ए और बी की औसत आयु कितना है 9 वर्ष, ए प्लस बी की कितना है सॉरी ए प्लस सी है, ए प्लस सी की औसत आयु कितना यहाँ से दिया है कितना 9 वर्ष, कह सकते हैं प्रत्येक 9 वर्ष का है, तो आप क्या करें दोनों की आयु का योग पता करने के लिए कितना से इसमें 2 से गुणा कर लेते कितना 9 × 18। तो पूछा कि आपसे बी की आयु पूछा है ना, तो बी की आयु पूछा यहाँ पे तीनों की आयु कितना है 30 वर्ष है जबकि नीचे कितना दोनों की कितना है इन दोनों की कितना है 18 वर्ष। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा एसी से यहाँ से इस कट जाएगा तो हमारा बच्चे क्या से बी बचेगा, इसको भी तो यहाँ से घटा ली कितना जाएगी 12 वर्ष हो जाएगा।
अर्थात कह सकते हैं कि बी की आयु कितना पता चलेगा, 12 वर्ष। तो देखिए कौन सा उसके मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, अगर यहां से मैं इनको पूछूं कि औसत पूछूं, तो इनका औसत आप तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि सभी संख्याओं को जोड़ के इनकी संख्या से भाग दे, आपको औसत पता चले। दूसरा तरीका ये क्या करें, अगर इनके बीच का अंतर समान, एक एक अंतर है ना, तो आप एक इधर से छोड़ दिए, 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 तो जो बीच में बच जाएगा ये क्या है, इनका औसत आएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन बना है, मैं आपको इसे भी ये क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 3 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। ठीक है, वैसे हम लोग पता है, हम लोग ऐसा हम लोगों को नहीं पता है। क्या दिया आपको, बीच का दिया है और कितनी संख्या है, 5 संख्या है। इसके बाद क्या है, इसके दो आगे संख्या रहेंगे और दो इसके पीछे। क्वेश्चन आपका ये है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 3 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना। जो औसत दिया आपका ये बीच वाला दिया है, तो इसके बाद क्या है, 4 आएगा और इसके बाद कितना जाएगा, 5 आएगा। ये तो यानी इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 5 है। तो सेम इसी क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको यही बताना है। तो मतलब कह सकते हैं, अगर ये बीच का दिया है तो 3 इसके आगे संख्याएं रहेंगी और 3 इसके पीछे रहेंगी। यही तो अब इन्हें पूछा, क्या बड़ी संख्या पूछा है, तो 20 के बाद क्या आएगी, 21 आ जाएगा, 21 के बाद 22 आ जाएगा और 22 के बाद कितना आ जाएगी, 23 आ जाएगा। कितना जाएगा, यहाँ से 23 आ जाएगा। ये क्या है, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, 23, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।